जो ऊख का खूबसूरत सा पेड़ दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार छठ पूजा की थी 3-4 साल पहले, तो उसका ऊपर का हिस्सा जो ग्रीन पत्ता वाला हिस्सा है उसको काट के यहाँ खोस दी थी, लगा दी थी। उसके बाद से आज 3 साल से मेरा ऊख का कोई पेड़ खरीदना ही नहीं पड़ा छठ पूजा में। छठ पूजा के लिए हमेशा अच्छी तरह से ऊख इसमें हो जाता है और मैं इसी से पूजा करती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा हुआ है। तो अब सोच रही हूँ इसको सारे जड़ से काट दूँगी, 1-2 फुनगी रख दूँगी ताकि कार्तिक का छठ में मेरा हो जाए, खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो मुझे पता ही नहीं चला इतना अच्छा सा जैसे ऊख का बागीचा ही बन जाएगा। देखिए कितना सारा लग गए हैं ऊख, और टमाटर तो देख ही रहे हैं। देखिए छोटा सा ये बगीचा है मेरा जो कि मैं लगाई हूँ। तो टमाटर भी 1 किलो जैसा हम लोग ले लिए हैं, देखिए खा चुके हैं। कितना अच्छा सा इसमें टमाटर पकड़ा है, और इधर भी है और इधर मिर्ची भी है। मिर्ची तो हर 2-3 दिन में एक पौधा जैसा हो ही जाता है। और दो एक पेड़ था जो कि मैं उखाड़ दी हूँ, वो थोड़ा सूख गए थे इसलिए। और ये देखिए इस पेड़ में भी टमाटर पकड़े हैं, और इधर थोड़ा फ्लावर्स का गाछ है, फ्लावर्स का पौधा है। तो ये जो टब है ना फ्रेंड्स, इसको मैं मतलब नहाने का मेरा टब था ये टूट गया था, तो इसको मैं लाके उसमें क्या की जो नारियल का छोबड़ा है उसको पहले रख दी। उसके बाद थोड़ा मिट्टी और थोड़ा सा गोबर का सार देके इसमें मैं उगा ली टमाटर के पौधे। और ये रहे जो बाल्टी में दिख रहा है छोटा छोटा सा, ये साग है, डुग्गा का साग बोला जाता है, और ये पोई साग उग रहा है। इसमें मैं आलू उगाई थी जो 1 किलो जैसा मेरा आलू हुआ था। तो उसके बाद आलू कोड़ने के बाद मैं इसमें साग उगा ली हूँ। देखिए तो देखिए कितना सारे टमाटर, 1 किलो जैसे टमाटर, 1.5 किलो जैसे फ्लैट में मैं बांट दी हूँ। अब बारी है हमारे खाने का, तो अभी भी 1 किलो जैसा पकड़ा है, चारों तरफ से उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है शायद आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा, और खुद से उगा के अगर खाया जाए उसमें मज़ा ही कुछ और है। तो आप भी ऐसे उगा सकते हैं अपना घर में पौधा को, और अपना पौधा का फल का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा छत से जो दृश्य दिखता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत है बहुत। मैं असम में रहती हूँ, और असम का जो वातावरण है, जो इसका एटमॉस्फेयर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ का चारों तरफ का जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, जो ऊपर में एक शायद दिख रहा है कि नहीं एक पेड़ जैसा है, देखिए उस वहाँ पर भी एक मंदिर है। वो मंदिर का मैं वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। वहाँ पर भी शंकर जी का एक भोलेनाथ का मंदिर है, और चारों तरफ से ही पहाड़ी पहाड़ है खूबसूरत सा। और जो पहाड़ दिख रहा है फ्रेंड्स वो खाली नहीं है, चारों तरफ वहाँ आदमी बसा हुआ है, घर है, और लाइट पानी सब चीज़ का ही सुविधा है। प्रकृति ने हर चीज़ का सुविधा दे रखा है, और सरकार भी दे रखे हैं। तो इस पहाड़ी इलाका में रहने में किसी का दिक्कत भी नहीं होता है, जहाँ पानी रहे जहाँ बिजली रहे वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए इतना अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ब्लॉग को बंद करना चाहती हूँ। तो मेरा ब्लॉग को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नया व्यूअर्स है मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलती हूँ नया ब्लॉगिंग या नया कुकिंग के साथ।